हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पुण्य प्रताप सेन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस माइंड मस्ती पर। दोस्तों, आज के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत पर, जिसका प्रतिपादन एचएल थर्स्टन व कैली महोदय ने सन 1938 में किया था। दोस्तों, इसके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं और इस सिद्धांत से अधिकतर इसके उपनामों से तथा इसके जो बुद्धि के सात तत्व इम्पोर्टेंट माने गए हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए मित्रों, इनको एक एक करके अपन समझते हैं और इस सिद्धांत को क्लियर करते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, समझते हैं बुद्धि के इस समूह कारक सिद्धांत को। दोस्तों, सबसे पहले इससे जो क्वेश्चन बनते हैं इसके उपनामों से बनते हैं। तो इसके जो उपनाम हैं वो कौन कौन से हैं, इसको हम देखते हैं। दोस्तों, समूह कारक सिद्धांत के जो उपनाम हैं वो महत्वपूर्ण है। पहला है कौन सा, संघ सत्तात्मक सिद्धांत। कौन सा? संघ सत्तात्मक सिद्धांत, इसको याद रखना। इसके बाद इसका जो अन्य नाम है वो है क्या, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट और कौन सा नाम है इसका, PMA। दोस्तों, इसको हमेशा याद रखें क्योंकि अक्सर ए पी एम ए शॉर्ट रूप में पूछा जाता है और लोग यहाँ पे चकरा जाते हैं और इसका आंसर अंततः गलत कर जाते हैं। इसका मतलब होता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, अर्थात प्राथमिक मानसिक योग्यता। यदि पूछ लिया जाए प्राथमिक मानसिक योग्यता का संबंध किससे है, तो एचएल थर्स्टन महोदय से है। किस सिद्धांत से? तो समूह कारक सिद्धांत से। समूह कारक सिद्धांत को समूह तत्व सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसका प्रतिपादन जैसा कि मैंने अभी बताया एचएल थर्स्टन और कैली महोदय ने किया। कब किया? तो 1938 में। इसको जरूर याद रखें। दोस्तों, एचएल थर्स्टन महोदय ने बुद्धि के 13 तत्व बताए। कितने? 13। और 7 को महत्वपूर्ण माना। कितने को? 7 को महत्वपूर्ण माना, ठीक है ना। जो इस प्रकार हैं, कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला है शाब्दिक योग्यता, इसके बाद स्मरण शक्ति, इसके बाद अंक योग्यता, चौथा है तार्किक योग्यता। अर्थात दोस्तों, जो बालक होते हैं वो पहले शाब्दिक योग्यता को ग्रहण करते हैं, इसके बाद स्मरण शक्ति में वो लाते हैं जो उन्होंने सीखा। इसके बाद तीसरा अंक योग्यता, अर्थात अंक को ग्रहण करते हैं, इसके बाद उसमें वो तर्क लगाते हैं, ठीक है। तो ये चार हो गए। इसके बाद देखते हैं जो पांचवा है वो है वाक योग्यता। वाक मतलब प्रवाह में लाते हैं, बोलने में। इसके बाद प्रत्यक्षणात्मक शक्ति, सामने प्रत्यक्षण रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसके बाद वो वस्तु से संप्रत्यय स्थापित करते हैं, अर्थात वस्तु परीक्षण योग्यता। ये 7 तत्व थे जो इनको महत्वपूर्ण माना। दोस्तों, तो इनको याद रखना है और इनसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 4 दिए जाएंगे और एक अन्य कर दिया जाएगा। 3 इसी के होंगे, एक अन्य हो जाएगा। तो इससे हट के भी पूछ लेता है कि इसमें से अलग कौन है या इसका संबंध समूह कारक सिद्धांत से है या नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में बनते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।